नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजु शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो बारी है 101 दिन की रैंकिंग की। पता ही नहीं चला दोस्तों कैसे करते करते देखते देखते 100 दिन बीत गए। ऐसा ही कुछ घर वालों का हाल है। और घर वालों को जिस तरह सलमान खान ने कल कांटे वाला टास्क दे के ये बता दिया है कि अब आपके रास्ते में कांटे आने वाले हैं, गेम और टफ होने वाली है, तो उस टफ गेम में कौन कैसे परफॉर्म करता है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। वैसा ही कुछ इंटरेस्टिंग रहा कल का दिन भी, यानी कि 101 डे। तो उस इंटरेस्टिंग डे में क्या कुछ हुआ, किसने कौन सा नंबर रखा अपने लिए, उसकी बारी करते हैं। मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, और दोस्तों साथ में बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे, धन्यवाद। चलिए बात करते हैं नंबर 10 से। तो नंबर 10 पे विकास गुप्ता आते हैं। विकास गुप्ता बहुत ज्यादा ठंडे हो गए हैं। जिस तरह मास्टरमाइंड का टैग लेके वो घर के अंदर आए थे, बट एक दो ऐसे इंसिडेंट उनके साथ हुए कि वो बिल्कुल एकदम से होता ना बैठ ही गए हैं कि कोई काम देते हैं तो वो कर देते हैं कम उस एनर्जी के साथ जो उनकी एनर्जी होनी चाहिए थी। अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, तो वो वेट कर रहे हैं कि मुझे बिग बॉस कब घर से बाहर भेज दें। और जैसा कि हमने न्यूज़ शेयर किया कि वो घर से बाहर हो भी जाएंगे मिड वीक में। तो विकास गुप्ता जैसे कल के एपिसोड में, जो 101 दिन के एपिसोड की बात कर रही हूँ, उसमें उनको नॉमिनेशन के टास्क में मौका मिला। उसमें उन्होंने अपनी बातें रखी कि नहीं राहुल को बचाना है। बट जो विकास गुप्ता जाने जाते हैं कि अपने पॉइंट पे कितनी देर तक वो अड़े रहते हैं, वो विकास गुप्ता उसमें नहीं दिखाए गए, नहीं दिख पाए। अपनी तरफ से उन्होंने कोशिश की, बट शायद अंदर से वो टूट चुके हैं, तो विकास गुप्ता वैसा कुछ कर नहीं कर पाए। रुबीना उन पे हावी होती हुई दिखाई दी, और रुबीना ही ज्यादा बोलती हुई नजर आई। तो विकास गुप्ता का जो ओरा है मास्टरमाइंड का, जो रश्मि देसाई भी दिखा के गई है, सब लोगों को बता के गई है ये टैग तूने खुद से नहीं लिया है, तुझे दिया गया है, तुझे ऑडियंस ने दिया, वगैरह वगैरह जो भी रश्मि देसाई ने बोला था, तो वो विकास गुप्ता कहीं खो गए हैं, इसलिए वो आते हैं नंबर 10 के ऊपर। नंबर 9 पे आ गई हैं अर्शी खान, जिनको फोटेज की दुकान भी कहा जाता था कि फोटेज वो जगह जगह से बटोरती हैं, हमेशा अलर्ट रहती हैं कि फोटेज लेनी है। कल वो कुछ खास फोटेज लेती हुई नहीं नजर आई। एक जगह पे सुल्तानी अखाड़ा में उनको परफॉर्म करने का मौका मिला, वहां उन्होंने फुल अच्छे से परफॉर्म किया और जीत भी गई। तो अर्शी खान की अगर हम भूमिका को ध्यान में रखें पिछले दिनों की, तो उस हिसाब से अर्शी खान का कल के एपिसोड में बहुत ज्यादा कम कंट्रीब्यूशन था एक्सेप्ट सुल्तानी अखाड़ा। तो अर्शी खान आती है नंबर 9 के ऊपर। नंबर 8 पे आ गए हैं दोस्तों अभिनव शुक्ला। अभिनव शुक्ला जो अभी तक चले आ रहे हैं, लोगों का ये भी कहना है कि पता नहीं कैसे सेब खाते खाते आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, बट मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि जो भी है अभी तक यहाँ पे पहुंच गए हैं। और अभिनव शुक्ला जैसे कल के एपिसोड की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो कल के एपिसोड में कांटे टास्क में नजर आए, फिर निक्की की सपोर्ट करते हुए नजर आए, चाहे निक्की सही है गलत है, अब निक्की उनको अपनी तरफ चाहिए, राखी के साथ जेल होते हुए नजर आए क्योंकि राखी ने अभिनव को बचाया था। तो कुछ सीन्स में अभिनव शुक्ला काफी अच्छे से नजर आए हैं, अपनी बात रखते नजर आए हैं, इसलिए वो आते हैं नंबर 8 के ऊपर। नंबर 7 पे आ गई है दोस्तों निक्की तंबोली। निक्की तंबोली बाप रे बाप, जो उन्होंने अभिनव के लिए बताया कांटे टास्क में कि अभिनव को वो क्यों उनकी रास्ते में कांटे बिछाना चाहती, क्योंकि अभी तक तो वो पता नहीं कैसे सेब खाते खाते यहां तक पहुंच गए, ये निक्की तंबोली का डायलॉग था नेशनल टीवी पे। और अभिनव शुक्ला को बिल्कुल बुरा नहीं लगा, रुबीना को बिल्कुल बुरा नहीं लगा। निक्की का कहना था कि अब मैं इनकी लाइफ में और ज्यादा कांटे डालूंगी ताकि ये और ज्यादा सामने आए, तो निक्की तंबोली का ये हो गया। फिर निक्की तंबोली की जो लड़ाई थी सोनाली फोगट के साथ, और जो नकली सीन था राहुल वैद्य के साथ कि मैं अभी भी तेरी दोस्त हूँ, वो सारा कुछ हमने देखा। और ये सारा कुछ देख के निक्की की गेम कितनी सॉलिड है ये नजर में आती है। निक्की बिल्कुल सॉलिड नहीं है, वो निक्की नहीं है जो निक्की आई थी बिग बॉस के घर में जब इनिशियल डेज थे, जब शुरुआती दिन थे। तो निक्की तमोली आती है नंबर 7 के ऊपर। नंबर 6 पे आ गई है सोनाली फोगट। सोनाली फोगट को सलमान खान बुलाए या ना बुलाए, वो अपना ध्यान जो है सलमान खान की तरफ कर ही लेती है, उनका ध्यान अपनी तरफ करवा ही लेती है। तो सोनाली फोगट को जैसे उन्होंने परसों के एपिसोड में सलमान खान से कहा था कि आप मुझे तो बोलते नहीं, आप तो मेरा नाम ही नहीं लेते, मैं तो तरस की हूँ मेरा नाम सुनने के लिए, तो उन्हीं से सोनाली फोगट की बात से ही सलमान खान ने बात की कल के एपिसोड में। उनको थोड़ी फोटो सलमान खान ने दी और सोनाली हो गई खुश। और उसके बाद जो राखी सावंत ने सोनाली के साथ किया,
वो उससे बहुत परेशान होगी। कांटे टास्क में जो निक्की के साथ सोनाली ने किया वो निक्की को समझ में ही नहीं आया, वहीं से मुझे लगता है सोनाली की जो थी ठनक गई थी निक्की के साथ कि मैंने तो इसके लिए पॉजिटिवली बोला है, और जब ये दूसरा कोई बोलता है तो इसको समझ में आता है, मैं बोलती हूँ तो समझ में नहीं आता है। तो सेम उन्होंने समझ लिया कि इक्वेशन क्लियर है कि निक्की उनसे नहीं बना के रखना चाहती, उनको पसंद नहीं करती है। तो दो दो अटैक हुए सोनाली फोगट के ऊपर, एक तो निक्की की तरफ से, दूसरा राखी सावंत की तरफ से, जो उन्होंने उनको डिच कर दिया। तो सोनाली फोगट काफी ज्यादा कल नजर आई और उन्होंने जो जो सीन क्रिएट किए गलत सही उसमें हम नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि जब पहले सोनाली ने गलती की थी और खाना बेड पे फेंकने वाली, तो उसके बाद निक्की रेगुलर गलतियां करती रही अभिनव शुक्ला के मना करने के बावजूद भी, तो निक्की तंबोली इक्वली रॉन्ग हो गई एक ट्रैक के ट्रैक पे जाके। तो सोनाली फोगट को इसलिए हम निक्की से ज्यादा नंबर देते हैं, नंबर 6 पे। नंबर 5 पे आ गए दोस्तों राखी सावंत। राखी सावंत एक नया ही ट्रैक खोलने के चक्कर में है, पति पत्नी और वो वाला जो वो हमेशा से कहती आ रही है, बट यहाँ पे उनको ट्रैक खोलने से कोई नहीं रोक रहा था, बट जहाँ पे बिग बॉस का घर है, बिग बॉस के घर में अलायंसेस की बात होती है, तो आप बहुत अच्छे से दीदी के साथ चल रही थी, दीदी दीदी कहती और दीदी आपका हर काम भी कर रही थी, बट आपने अपनी दीदी को धोखा दे दिया, इसलिए राखी के नंबर पहले से थोड़े कम है। बट राखी जो है वो अपने अलग तरीके से फुटेज ले जाती है और अब उन्होंने गेम भी खेलना शुरू कर दिया है, अब वो जो गेम उनकी सामने आई है उसको लोग कितना पसंद करते हैं वो आने वाले दिन ही बताएंगे, मगर कल के हिसाब से वो आते हैं नंबर 5 के ऊपर। नंबर 4 पे आ गए दोस्तों राहुल वैद्य। राहुल वैद्य की दोस्ती अली गोनी के साथ काफी क्लियर दिखाई दे रही है, काफी अच्छी दिखाई दे रही है। राहुल वैद्य ने जिस तरह रुबीना को कहा कि मैं इनके रास्ते में कांटे क्यों बिछाना चाहता हूं, तो वो डे वन से लेके जब से उन्होंने रुबीना के खिलाफ झंडा उठाया है तब से उनकी यही चीज चल रही है और उस पर ही वो अडिग है कि हाँ इस वजह से उनका जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के खिलाफ राहुल आवाज उठाते हैं, और फिलकर उन्होंने कहा कि मैं डी कोडिंग करने का इनको मुझे बड़ा मजा आता है, तो इन अ वे कि वो काफी क्लियर है अपने गेम में राहुल वैद्य। तो राहुल वैद्य ने कल भी वही क्लैरिटी दिखाई, फिर उन्होंने जो राखी सावंत को भी बोला कि आपने गलत किया है ना, वो भी समझाए कि आप ऐसा नहीं आपको करना चाहिए था, वो चीज राखी सावंत को बोलना भी बड़ी बात है। फिर सोनाली के साथ जो उनका एक अच्छा रिलेशन चल रहा है वो भी अच्छी फील दे के जाता है लोगों को, और बाकी जो निक्की को लेके वो गेम खेल रहे हैं उसको तो मैं गेम ही कहूंगी, निक्की को बार बार दोस्त बनाने की कोशिश करना, निक्की से वो एक्चुअली जानना चाहते हैं उधर क्या हो रहा है, तो ये एक राहुल की गेम है जो बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, यही बिग बॉस की गेम है। तो राहुल आते हैं नंबर 4 के ऊपर। नंबर 3 पे आ गए हैं दोस्तों अली गोनी। अली गोनी की गेम अब बहुत ज्यादा फेयर दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा रियल दिखाई दे रही है, जो अब उनको जुनून हुआ है ना कि जो जैस्मीन बसीन घर से बाहर गई है उसके बाद अली गोनी अब बहुत क्लैरिटी के साथ नजर आ रहे हैं, और जिस तरह कल भी उन्होंने कहा कि मेरे दो दोस्त ही है, एक भाई एजाज और दूसरा राहुल, जिन पे मैं विश्वास कर सकता हूं, अब ये विश्वास तो है बट उसके साथ साथ वो बाकी लोगों से भी बना के रखे हुए हैं, और खास करके जिनसे वो नहीं बना के रखे हुए वो भी उनका बहुत क्लियर है, खास राखी सावंत। तो ये काफी क्लैरिटी के साथ अली गोनी गेम खेल रहे हैं, कल भी उन्होंने जो सोनाली को समझाया वो भी बहुत अच्छा था, और बाकी चीजें भी वो काफी हद तक क्लियर करते करते अपने नजर आए। तो 101 दिन में अच्छी थी उनकी फोटो, सलमान खान ने भी उनको काफी आश्वासन दिया और ये भी जाते जाते उनको कह के गए भी अली अब इस मोड से बाहर आ जाओ, यानी कि तुम्हारी जरूरत है गेम खेलनी शुरू कर दो। तो अली गोनी आते हैं नंबर 3 के ऊपर। नंबर 2 पे आती हैं दोस्तों रुबीना दिलायक। रुबीना दिलायक जिस तरह से गेम में आ रही हैं सामने बहुत अच्छा लग रहा है, और ये भी दिख रहा है कि कितने घर के लोग हैं उनको अपना बड़ा कंपटीशन मानते हैं, जो कि कल के एपिसोड में हमें पता चल गया कांटे टास्क में सबसे ज्यादा कांटे रुबीना के रस्ते में बिछाने की स्कीम बन रही है घर वालों की। तो खैर यहाँ पे एक चीज जो मुझे अजीब लगी वो ये थी कि जब रुबीना दिलाय की कांटे बिछाने की बारी आई, उन्होंने निक्की तंबोली के रास्ते में कांटे बिछाने की बात की, यहाँ पे सलमान खान ने एक
एक रूबीना से सवाल पूछा जो कि एक फन के हिसाब से था, एक एंटरटेनमेंट की तरफ जाने की कोशिश थी सलमान खान की, वो था कि राखी सावंत के बारे में आपको कुछ कहना है। मगर यहाँ राखी सावंत के बारे में तो रूबीना बहुत बाद में आई, पहले उन्होंने एजाज खान के बारे में कहा, राहुल वैद्य के बारे में कहा, तो जो ऑफ ट्रैक यहाँ पे चली गई और अपनी भड़ास निकालने का उनको मौका मिल गया, जो सलमान खान के एक्सप्रेशन से लग रहा था उनको ये इतना अच्छा नहीं लगा। जब राखी सावंत की बात पूछ रहे हैं तो वहां पे आप बात करो और खत्म कर दो, बात को इतना एग्जैजरेट करके जाने की जरूरत क्या थी। बट वही चीजें बार बार बोल के वो कभी कभी अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको वीक भी कर जाती हैं, तो यहाँ पे ये मुझे थोड़ा लगा। बाकी निक्की और सोनाली के जो झगड़े में उन्होंने जिस तरह से निक्की को सोनाली की बेटी की एज की बताने की कोशिश की और यहाँ पे मदर को समझाने की कोशिश कर रही है इंस्टेड ऑफ बेटी की, जो बेटी किस बदतमीजी के साथ सोनाली फोगट के साथ बात कर रही है, जबकि सोनाली फोगट ने तो बिस्तर पे वो गंद फैला के गलती कर ही दी थी, बट उसके बाद निक्की ने उस पे गलती करती गई और फिर वो बात आगे बढ़ती गई। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ निक्की को समझाने के वो सोनाली फोगट को समझाती हुई नजर आई, वो बात भी थोड़ी हजम होने के लायक नहीं थी। तो यहाँ पे ये चीजें जो रूबीना दिलैक के साथ कल के एपिसोड में हुई है वो उनको लेके आती है नंबर दो के ऊपर। नंबर वन पे आ गए दोस्तों एजाज खान। एजाज खान की अगर बात करें तो एजाज खान का जो पवित्रा वाला सेक्शन जो सलमान खान ने कवर किया था उसमें लोगों को बहुत मजा आया, लोगों ने उस चीज को बहुत एंटरटेनिंग वे से लिया, क्योंकि होता है कभी कभी जो बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा था, एक हफ्ते चुपचाप बैठे थे फिर भी उनको टारगेट किया जा रहा था, वो सारी चीजें हो रही थी, वहीं पे उस बंदे की लाइफ में कुछ नयापन आता है तो शो में भी नयापन आता है, खास करके उन खिलाड़ियों में जो कि क्रीम खिलाड़ी माने जाते हैं घर के। तो एजाज खान के साथ जो मजाक मस्ती, जो लाइंस जैसी जैसी भी है पवित्रा, उस लाइन पे भी सलमान खान ने काफ़ी फुटेज जनरेट की एजाज खान के लिए, और एजाज खान ने भी काफ़ी फुटेज ली सलमान खान से भी और बाकी खिलाड़ियों से भी कि ये अब मेरे को छेड़ेंगे और मेरे को छेड़ते हैं उसके बाद। तो काफ़ी अच्छा सा एक जो फर्स्ट हाफ था एजाज खान के साथ जो था एपिसोड का बीता, और लास्ट हाफ में भी जब निक्की और इसकी लड़ाई हो रही थी और उससे पहले भी राखी सावंत को उन्होंने कहा कि आपने गलत किया है, वो लाइन वो पूरी क्लियर कर दी ऑडियंस के दिमाग में भी कि उस टास्क में कैसे राखी सावंत को फेवर किया गया था और अब राखी सावंत ने कैसे पलटी मार दी है, तो वो एजाज खान ने क्लियर किया। तो काफी सारी चीजें थी जो कल एजाज खान के हिसाब से चली, और एजाज खान को फुटेज में सबसे ज्यादा हम यहां पे रखेंगे पॉजिटिव फुटेज में। तो एजाज खान आते हैं नंबर वन के ऊपर। तो ये थी दोस्तों 101 दिन की रैंकिंग, कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइएगा, और देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.